हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनमोजून ब्लॉग। तो आ गए यूनिकॉर्न ब्लॉग के साथ। तो कैसे हो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है काफी ज्यादा मजेदार, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लोग आ गए हैं अपने मामा जी के घर पे। आज काफी ज्यादा एंजॉय कराने वाले हैं, क्योंकि आज काफी ज्यादा आने वाला है मजा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, आपको दिखाते हैं और मिलवाते हैं अपने मौसा जी से, मौसी से, सारी जितनी मौसी सबसे मिलवाते हैं और मामा से भी मिलवाते हैं, सबसे मिलवाते। चलिए भाई, सबसे पहले हम मिलवाते हैं आपको अपनी मौसी जी से, जिनसे कि आप लोग पहले मिल चुके हैं। आप लोग को ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग इनसे मिले थे दिल्ली में, क्योंकि पिज्जा चैलेंज हुआ था, उसमें आप लोग ने देखा था। तो अब मिलवाने जा रहा हूँ अपने मामा जी से। ये हमारे मामा जी जो कि एक अध्यापक है, जिनसे आप लोग मिल सकते हैं। और ये आ गए हमारे मौसा जी, जो कि अभी ये बनाए जा रहे हैं कढ़ाई पनीर, देख सकते हैं आप लोग। कटिंग हो चुकी है सब्जियों की, अब पनीर कटिंग होने जा रही है। और ये हमारी मौसी जी जो कि अभी अभी पनीर धो के लाई है, और यहाँ पर ग्राइंड होने जा रहा है सब कुछ, देख सकते हैं आप लोग। अभी थोड़ी देर में हम लोग का कढ़ाई पनीर बन के रेडी हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग खाएंगे और इनसे मिलवाते हैं। देखिए, देखो ये इनसे मिलिए, ये है कुहू और हाँ आपको मिलवाते हैं अपनी नानी जी से। ये है हमारी नानी जी, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस पनीर की कटिंग देख सकते हैं आप लोग, कितनी प्यारी लग रही है पनीर की कटिंग। मौसा जी पनीर काट रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से आप लोग काटेंगे। पूरी की पूरी रेसिपी आप लोग को दिखेगी कढ़ाई पनीर की। क्यों मौसा जी, ये सब चीज ग्राइंड हो रहा है यहाँ पे। मौसी बैठी है, मम्मी, मामा, मौसी, नानी। तो गाइस फाइनली पनीर कट चुका है, उसके और छोटे पीस किए जा रहे हैं। मेंबर ज्यादा है, मेंबर ज्यादा हो गए। गाइस फाइनली मौसा जी आ गए हैं किचन में और वो बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर। तो गाइस फाइनली कढ़ाई पनीर बनने के लिए कढ़ाई आ चुकी है और तेल आ चुका है। सबसे पहले हम लोग करेंगे पनीर को फ्राई। फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद अब कढ़ाई पनीर में खड़े मसाले पड़ना चालू हो गए हैं।